बस पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, फिर उसके बाद इतना ज़्यादा वो थोड़ा इंटरेस्ट था पहले से इसमें, तो सोचा चलो इस काम को आगे बढ़ाते हैं। फिर कुछ लड़कियां हमको मिल गईं, जैसे हमने फिर समूह बनाया है कि टुकड़ा का सुधा मैम है, उनसे मुलाकात हुई, फिर उन्होंने बताया कि आप इस तरह से समूह बनाएं तो आपका हम लोग सपोर्ट करेंगे। फिर हमने वो समूह बनाया, फिर उससे लड़कियाँ हमसे जुड़ती चली गई के बाद एक तो करीब इस टाइम हमारे पास 30-34 लड़कियाँ हैं, वैसे तो 50-60 के करीब हैं, लेकिन एक्टिव जो है वो 30-34 लड़कियाँ हैं जो हमारे पास परमानेंट आती हैं, और हमारा कोई भी हमारा ऑर्डर होता है कुछ होता है तो वो लड़कियाँ हमारे साथ मिलकर सपोर्ट करती हैं, काम करती हैं, जिससे उनको भी रोज़गार मिलता है और हमारा भी काम आगे बढ़ता है। घर से तो 8 साल हो गए, फिर हमने इस काम को अभी 2 साल से थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया, जैसे कि हमने एक्सपोर्ट लाइन को भी इसमें शामिल किया है, तो वो उसके हमारे अलग कारीगर हैं जो उसको बनाते हैं, और ये हमारा जो उस पे जो भी एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है ये हमारी लड़कियां करती हैं जो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम इस वक्त जयपुर भी भेज रहे हैं, हैदराबाद भी भेज रहे हैं, दिल्ली भी भेज रहे हैं, सर हम लोग इंग्लैंड तक की भेज रहे हैं अपना माल जो भी बनवाते हैं, तो हमारे को दुबई इंग्लैंड, लेकिन इस वक्त अभी कोरोना की वजह से तो नहीं है कोई ऑर्डर अभी हम लोगों के पास, लेकिन परमानेंट हमारा यहाँ से बना हुआ है कि हमारा सामान जाता है। जैसे हमें मशीनें लेनी थी तो सरकार से हमें कलेक्टिव से लोन प्रोवाइड किया गया, और भी जितनी जो भी स्कीमें आती हैं वो हमें टूडा की तरफ से मिलती हैं, जिला उद्योग से भी हमें काफ़ी बार हो चुके हैं। आपके काम पे डिपेंड करता है, आप काम अच्छा करके देंगे तो कोई ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप मुसलमान हैं या आप हिंदू हैं, ये लोगों का सोचना है सिर्फ। यही कहना चाहेंगे और हम यही कहते ही रहते हैं उन लड़कियों से जो हमारे यहाँ, बहुत सी लड़कियाँ ऐसी आती हैं कि हम एक आपके यहाँ बैठ के काम नहीं कर सकते, जैसे उनको कोई चीज़ नहीं आती है तो हम बोलते हैं यहाँ बैठ के आपको हम सिखा देंगे, तो बोलती हैं हम आ नहीं सकते हैं आपके यहाँ, तो हम उनको ये बोलते हैं कि आप अगर 100-200 रुपए का रोज़ काम कर लेंगी तो आपके घर में भी नहीं इस चीज़ को बुरा, और बहुत से ऐसे घर हैं भी जहाँ पे लोग पहले ऑब्जेक्शन करते थे, लेकिन अब उन लड़कियों को रोज़गार मिल गया है तो उनके घर में इस चीज़ के लिए परमिशन मिल गई। थोड़ा सा जागरूक करने की बात है बस, और कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसा नहीं, बस थोड़ा लड़कियों को कोई ऐसा गाइड करने वाला मिल जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि लड़कियां नहीं तैयार होती।